हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है यूट्राइन ट्यूब। और जो यूट्राइन ट्यूब जो है उसके ऊपर यूनिवर्सिटी पे जो है शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, लेकिन मेनली अगर आपके पीसीटी या सेशनल में अगर पेल्विस आ रहा है तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना क्वेश्चन होता है सपोर्ट ऑफ यूट्रस और एक फोसा जिसको अपन बोलते हैं इश्योरेक्टल फोसा। तो ये मतलब इतने ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है अपने एग्जामिनर के। अगर आपका पीसीटी सेशनल आ रहा है तो बिल्कुल ये दो क्वेश्चन तो आपके आना ही आना है एज ए शॉर्ट नोट में। तो इन दोनों के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन आज अपन इस वीडियो में पूरा यूट्राइन ट्यूब के बारे में समझेंगे, इसके कंसेप्ट के बारे में। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको एज ए शॉर्ट नोट में लिखना है। तो सबसे पहले अगर आप ये वाला डायग्राम देखो तो अपन सबको पता है कि जो यूट्राइन ट्यूब जो है ये एक्चुअली में क्या कन्वे करती हैं, ये अपना कन्वे करती हैं अपना ऊसाइड, और ये किससे कनेक्टेड होती हैं, ये अपने डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं यूट्रस से। मतलब अगर अपन देखें तो ये जो है ना यूट्राइन ट्यूब जो है अपने ओवरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। वही अपन मेल में देखें तो मेल में क्या होता है, जो वासा डिफरेंशिया जो रहता है वो अपना डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है टेस्टिस से। लेकिन वहीं फीमेल में जो है ये यूट्राइन ट्यूब जो होती है ये एक्चुअली में डायरेक्टली ओवरी से कनेक्टेड नहीं होती, ये आपके ओवरी के जस्ट अपर साइड में रहती है, ऊपर रहती है और आपके डायरेक्टली कनेक्टेड होती है अपने यूट्रस से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप समझ लो। देन एक्चुअली में ये होता क्या है, यहाँ जो ओवरी है दोनों साइड में, इस ओवरी में अंदर हो गया अपना ओव्यूलेशन और उससे आ गया आपका एग बाहर। देन ये जो एग जो है ये एक्चुअली में आपका ओवरियन ट्यूब के अंदर चला जाता है, वो एग जो है ये कन्वे करती है। देन वो एग आपका जाएगा एम्फुला तक। देन यहाँ से फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो वेजाइना से होते हुए आपके स्पर्म आएंगे और ये एम्फुला के रीजन में जो है इन दोनों का हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो मेनली जो है जो अपनी यूट्राइन ट्यूब है वो अपनी कैरी करती है ऊसाइड, और यूट्राइन ट्यूब को अपन जो है फलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो मेनली ये अपना एग कैरी करती हैं यूट्राइन ट्यूब, और ये जो अपना जो यूट्राइन ट्यूब जो है ये एक्चुअली बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब नहीं होती, इसके अंदर टर्न होते हैं, ये जो है ना टर्न वाली ट्यूब होती है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं टॉर्टुअस डक्ट। टॉर्टुअस का मतलब होता है टर्न्स। तो ये यूट्राइन ट्यूब जो है उसके अंदर बहुत सारे टर्न होते हैं, और ये क्या कैरी करती है, ये अपना कन्वे करती है ऊसाइड। उसके बाद में अगर इसका आपको सिचुएशन बताऊँ कि कहाँ पर सिचुएटेड होती है, तो आपको ये वाला डायग्राम में दिख पा रहा होगा, इस साइड ये पूरा ये जो दिख रहा है ना ये आपको लिगामेंट, इसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। तो मेनली ये जो पूरा ब्रॉड लिगामेंट जो है इसका ये आप देख पा रहे हो अपर पार्ट, इसको अपन बोलते हैं अपर फ्री मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, यहाँ पे लिखा भी है, इसको बोलते हैं अपर फ्री मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। तो पूरे ब्रॉड लिगामेंट की ये जो अपर फ्री मार्जिन जो होती है इस पूरे पे जो है अपना यूट्राइन ट्यूब आपके अच्छे से कनेक्टेड होती है। तो यूट्राइन ट्यूब कहाँ सिचुएटेड होती है, ये आपके सिचुएटेड होती है इन अपर फ्री मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, इस पूरे लिगामेंट के फ्री मार्जिन पे अच्छे से सिचुएटेड होती है। फिर अपन देखें इसके डायमेंशन, तो ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर की लॉन्ग है। फिर अपन देखते हैं इसके सब डिवीजन, ये कितने सब डिवीजन में जो है अपन ने इसको डिवाइड करा है। अब मेनली जो यूट्राइन ट्यूब जो है अपन नीट वगैरह में कितने पढ़ते हैं सब डिवीजन, इसके पढ़ते हैं अपन 3 सब डिवीजन। एक होता है इन्फेंडिबुलम, जो सबसे पहला वाला जो पार्ट रहता है जस्ट ओवरी के जस्ट अपर वाले अपर सेगमेंट में, उसको बोलेंगे इन्फेंडिबुलम। देन आपका आता है एम्फुला जहाँ पर पूरा फर्टिलाइजेशन। फिर आपका आता है इसमस, लेकिन एक और पार्ट इसका होता है जो कि यूट्रस के अंदर होता है, उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन पार्ट या फिर इंट्रा मुलर पार्ट। और यहीं पर अगर तुम शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा ना एग्जाम में तो एग्जामिनर आपको इसी को देख के पकड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने बीडीसी नहीं पढ़ी तो सिर्फ तुम क्या करोगे, सिर्फ 3 पार्ट लिख के आओगे, तुम ये वाला इंट्रा यूट्राइन वाला पार्ट लिख के ही नहीं आओगे। इसलिए ये वाला पार्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूनिवर्सिटी में लिखना ही है, क्योंकि एग्जामिनर इससे ही देख के पहचानेगा कि तुमने इसको डिटेल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्योंकि पढ़ा होगा तभी तुम लिख पाओगे, वरना सिर्फ तुम 3 पार्ट ही लिखोगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ नीट के लिए 3 ही बताते हैं एनसीईआरटी में। इन्फेंडिबुलम जो है अपन को पता है, सबसे पहले इन्फेंडिबुलम में क्या होता है, इसके अपर फ्री मार्जिन में इसमें होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगर तुम इस साइड के डायग्राम में देखो ये पूरा जो पार्ट है ये है आपका इन्फेंडिबुलम, और इन्फेंडिबुलम के यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया। तो आप अच्छे से याद कर लेना कि जो इन्फेंडिबुलम जो है इसके एंड में आपके होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको अपन बोलते हैं फिम्ब्रिया। देन इन्फेंडिबुलम जो है वो कहाँ पे है, ये अपना जो है लेटरल साइड है ना, ये अपना मीडियल साइड। तो जो इन्फेंडिबुलम है वो आपका लेटरल साइड सिचुएटेड है। तो इन्फेंडिबुलम क्या है, इन्फेंडिबुलम आपका लेटरल एंड है यूट्राइन ट्यूब का, और ये कैसा है अगर आप देख पा रहे हो, फनल शेप का है, इज लाइक फनल शेप। और ये बियर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोजेक्शन, जिसको अपन बोलते हैं फिम्ब्रिया। फिर अपन बोलेंगे एम्फुला के बारे में, तो इस मस के जस्ट मीडियल में
क्या प्रेजेंट है? अपना प्रेजेंट है एम्फुला। तो मिडल टू इन्फंडिबुलम प्रेजेंट है अपना एम्फुला। ये जो है बहुत ज़्यादा थिन वॉल है, इसकी वॉल जो है बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, देन ये डायलेटेड है और ये टर्न्स इसमें बहुत होते हैं, और सिर्फ फोर एमएम का डायमीटर इसका होता है। देन फिर अपन देखें इस्मस, तो एम्फुला के जस्ट बाद आपका आता है इस्मस, और फर्दर इसमें कुछ खास डिटेल अपन को पढ़ना नहीं है। देन अपन देखते हैं इंट्रा यूट्राइन वाला पार्ट। अब जो इंट्रा यूट्राइन पार्ट है, इसके अंदर क्या है कि ये यूट्रस के अंदर सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही अपना लॉन्ग होता है, 1 सेंटीमीटर ही अपना ये यूट्रस के अंदर होता है। देन फिर अपन देखते हैं कोर्स, कि मेनली जो यूट्राइन ट्यूब जो है इसका क्या कोर्स होता है। और ये बहुत ज़्यादा इजी, मतलब यूट्राइन ट्यूब जो है खास इतना टॉपिक है नहीं, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। अपन मैक्सिमम बातें अपन नीट के लिए पहले इसके लिए पढ़ चुका हूँ, तो मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि क्या क्या रहता है सारे पार्ट्स एंड डिवीजन, और इसको ये बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, मतलब मेनली अपन को उसके कंसेप्ट जो है पता है। फिर अपन इसका कोर्स देखें, कोर्स मतलब रास्ता क्या है, तो मैं आपको सबके अलग अलग बता रहा हूँ तीनों पार्ट के। कि सबसे पहले अपन देखें इस्मस। अब जो इस्मस जो रहता है वो अपना पोस्टीरियो लेटरल रहता है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन का तो मतलब आप समझ गए कि वो इस प्लेन में है, ये इसको अपन बोलते हैं ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में। लेकिन आप बोलेंगे पोस्टीरियो लेटरल कहाँ है, सबसे पहले ये क्या है, ये अपना लेटरल साइड है और ये जो रहता है ये पोस्टीरियर में रहता है। तो मैं इस डायग्राम को आपको अगर ऐसे करके दिखाऊं तो आप अच्छे समझ में आ रहा होगा है वो अपना क्या है, पोस्टीरियर लेटरल है, मतलब ये जो है ये अपने इंटीरियर में रहता है। अगर अपन 3D में जब देखेंगे ना तो ये अपन को इंटीरियर में देखेगा, थोड़ा आगे रहता है और ये पीछे है, इसलिए पोस्टीरियर भी है और लेटरल भी है। तो इसलिए अपन बोलते हैं जो इस्मस जो है वो अपना पोस्टीरियर लेटरल रहता है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में। फिर अगर अपन एम्फुला पे देखें तो एम्फुला क्या कर रहा है, ये अपना आर्च ओवर ओवरी, मतलब ये ओवरी है, जस्ट ओवरी के ऊपर क्या कर रहा है, आर्च बना रहा है। तो एम्फुला का कोर्स हो रहा है ये आर्च ओवर द ओवरी है। देन अपन इन्फेंडिबुलम पे देखें तो इन्फेंडिबुलम क्या है, प्रोजेक्ट बियॉन्ड द फ्री मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। तो ये क्या है, ये अपना है पूरा ब्रॉड लिगामेंट, और ये ब्रॉड लिगामेंट का ये है अपना अपर फ्री मार्जिन। देन आप देख पा रहे हो ब्रॉड लिगामेंट के अपर फ्री मार्जिन के बियॉन्ड, बियॉन्ड ये जो पार्ट जा रहा है ये अपना है इन्फेंडिबुलम। तो यहाँ पर यही लिखा है कि ये जो इन्फेंडिबुलम है ये एक्चुअली में आपके ब्रॉड लिगामेंट के बियॉन्ड प्रोजेक्ट करता है, इस डायग्राम में आपको दिख भी पा रहा होगा। उसके बाद अगर इन शॉर्ट में अपन बोलेंगे यूट्राइन ट्यूब कहाँ लाया करता है, ये अपना लाया करता है अपर फ्री मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट में। फिर अपन देखें इसका ब्लड सप्लाई, तो इसका ब्लड सप्लाई ज़रा देखने वाली बात है। इसका ब्लड सप्लाई एक्चुअली में 2 आर्टरी से होता है, ठीक है। अब इसका क्या रहता है कि मीडियल, ये क्या है मीडियल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका है मीडियल 2/3। अभी जो मीडियल 2/3 वाला पार्ट जो है अपना यूट्राइन ट्यूब का, ये आपका होता है यूट्राइन आर्टरी, इसको करती है सप्लाई। मतलब कि जो यूट्राइन ट्यूब जो है वो एक्चुअली में आपके यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी, 2 आर्टरी पहले सप्लाई करेंगे उसको, ठीक है। देन इसका जो मीडियल 2/3 है वो सप्लाई करेगी यूट्राइन आर्टरी, और उसका बचा हुआ रेस्ट वाला जो लेटरल 1/3 है वो आपका सप्लाई करेंगे बाय ओवेरियन आर्टरी। उसके बाद अपन इसका नर्व सप्लाई देखें, तो नर्व सप्लाई, इसकी 2 नर्व सप्लाई, एक सिंपथेटिक और एक पैरासिंपथेटिक। और यार पूरा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो अच्छे से समझा के रखी है, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, तो आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जो सिंपथेटिक नर्व जो है ये पूरी यूट्राइन ट्यूब को एक ही सिंपथेटिक नर्व सप्लाई करेगी, जो कि आपके T10 से T12 और L1 से L2 सेगमेंट ऑफ हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। जो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस जो होता है, प्लेक्सिस का मतलब होता है सबसे पहले नेटवर्क, तो नेटवर्क ऑफ नर्व जो है एक प्लेक्सिस रहता है पेल्विस। इस हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस में से जो सिंपथेटिक नर्व जो T10 से लेकर L2 तक जो निकलती हैं वो आपको सप्लाई करती हैं यूट्राइन ट्यूब को। उसके अलावा पैरासिंपथेटिक में जो है 2 नर्व सप्लाई करेंगी, एक वेगस और एक पेल्विक स्प्लेनिक नर्व। ये दोनों नर्व कैसी हैं, ये अपनी है पैरासिंपथेटिक नर्व। अब जो वेगस नर्व जो है, ये जो लेटरल हाफ जो है ना अपना, ये आधा पूरा, मतलब इस बार लेटरल हाफ ने बोला तो पूरा लेटरल हाफ इस सब तो पूरा लेटरल हाफ इज सप्लाई बाय वेगस नर्व, और जो बचा हुआ आपका मीडियल हाफ है वो आपका सप्लाई होता है पेल्विक स्प्लेनिक नर्व से। तो अब मैं आपको बताता हूँ उसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको लिख के आना है, अगर यूनिवर्सिटी में आता है तो। तो यार अगर मेरी यूनिवर्सिटी में आएगा ना तो एज अ शॉर्ट नोट आएगा, और तुम ये जो मेरा ये जो नोट्स हैं उसके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मेनली क्या तुम्हें इसी सीक्वेंस में लिख के आना है। वो मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, मेन चीज़ होती है हेडिंग डाल के पॉइंट्स में लिखो, और मैंने क्वालिटी कंटेंट लिखो तुम, बिल्कुल मैंने सिर्फ काम काम की बात है इसमें लिखी है, तो ज़्यादा आपको लोड भी नहीं पड़ेगा,
और तुम डायरेक्ट मेरे नोट लिख के तुम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी दे के आ सकते हो। उसके अलावा मैंने पेलविस में पूरा अपलोड कर चुका हूँ, तो मेरे चैनल को अच्छा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर तुम्हें पेलविस की पूरी वीडियो देखना है तो मैं अपर लिम लोअर लिम थॉरस के ऊपर पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ। देन अब मैं एब्डोमिन स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो तुम अच्छे से मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लो। तो यूट्राइन ट्यूब को लिखने के लिए सबसे पहले तुम मेन हेडिंग डालना है यूट्राइन ट्यूब, फिर तुम हेडिंग डालना, या तो तुम यूट्राइन ट्यूब हेडिंग डाल के डायरेक्ट तीन इसके इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट लिख देना कि टॉर्टोर डक्स है जो कि कन्वे करती है ऊसाइड सिचुएशन डायमेंशन सब लिख देना। देन इसके सब डिवीजन लिखना, और उसके याद रखना है चारों सब डिवीजन लिखना है, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कोर्स लिखना, सबके कोर्स लिख देना। देन इसका ब्लड सप्लाई और एक नर्व सप्लाई तुम लिख देना। और अगर तुम उसको प्रॉपर वे में अगर सबको लिखते हो ना हेडिंग डाल के, तो आपका बिल्कुल एक पेज आराम से इसमें हो जाएगा, इसमें तुम आराम से इसके अंदर एक पेज जो है लिख सकते हो। और उसके बाद तुम चाहो तो ये वाला एक डायग्राम, मतलब इसको तुम क्या करना सिर्फ राइट हाफ का बनाना, जिसमें तुम पूरे इसके सब डिवीजन बता सकते हो, इन्फंडिबुलम एम्फुला इसमस और यूट्रस, बहुत ईजी डायग्राम ही है। तो ये एक डायग्राम तुम इसमें बना के आ सकते हो। तुम इस तरीके से जो है इसको यूनिवर्सिटी में लिखना है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना क्या है, सपोर्ट ऑफ यूट्रस, तो उसके ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो है, तो वो देखना मत भूलना। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।